तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है मैक्सिलरी आर्टरी। और यार ये मैक्सिलरी आर्टरी में एक्चुअली में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिलरी आर्टरी। तो आज अपन इस पूरे मैक्सिलरी आर्टरी को अच्छे से डिटेल में देखेंगे, इस मैक्सिलरी आर्टरी का कोर्स और उसकी सारी ब्रांचेस, और इसकी ब्रांचेस को क्या अपन फर्दर और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसकी ब्रांचेस जो है आगे जाके फर्दर कुछ फोरामेंस के अंदर एंटर करती है। अपन इसकी एक एक ब्रांच को अच्छे से डिटेल में देखेंगे और वीडियो की एंड में मैं मेरे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा और ये भी बताऊंगा इसको यूनिवर्सिटी में आपको किस हेडिंग में लिखना है। तो वीडियो बिल्कुल आप एंड तक देखना। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो मैक्सिलरी आर्टरी जो है ये अपनी लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। अगर आप यहाँ पे मेरे डायग्राम में देखें तो सबसे नीचे अपना रहता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है फिर अपनी दो ब्रांच देती है, एक है अपना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दूसरा है अपना ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। देन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपनी शल्क बोन में ऊपर की तरफ रन करती है, उसके बाद वो दो ब्रांच दे के टर्मिनेट हो जाती है। एक इसकी रहती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये आपको दिख रही होगी, दूसरी उसकी जो ब्रांच है वो अपनी होती है मैक्सिलरी आर्टरी। और मेनली जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो मैक्सिलरी आर्टरी अपना कहाँ पर देता है, बिहाइंड नेक ऑफ मैंडिबल, ये अपना मैंडिबल बोन है और उसका ये है नेक, तो उसके नेक के जस्ट पीछे जो है अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी देता है। तो ये अपन ने इसका देख लिया, तो अपन ने देख लिया कि मैक्सिलरी आर्टरी अपनी किसकी ब्रांच है। अब अपन देखते हैं मेनली सप्लाई क्या करती है। तो मेनली जो मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर को सप्लाई करती है, वो ड्यूरा मैटर को भी सप्लाई करेगी, उसके अलावा मसल ऑफ टेम्पोरल एंड इंफ्रा टेम्पोरल रीजन, इन दोनों रीजन की मसल को ब्लड सप्लाई करेगी, अपने नोज और पैरानेजल एयर साइनसेस, अपना पैलेटाइन और रूफ ऑफ फेरिंग्स, इन सारे स्ट्रक्चर को जो है अपनी मैक्सिलरी आर्टरी जो है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में इस मैक्सिलरी आर्टरी को अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसको दिखाने के लिए मुझे आपको ये वाला डायग्राम दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अब आप देखो ये जो नीचे की तरफ ये जो आर्टरी है ना, ये अपनी पूरी है मैक्सिलरी आर्टरी। अगर आप ये मेरा सबसे पहले पेन देखो, मानो कि ये पेन जो है ये मेरा है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना इससे अपनी ये निकली मैक्सिलरी आर्टरी। और अब आप इस मैक्सिलरी आर्टरी के कोर्स में देख पा रहे हो, कोर्स मतलब रास्ता, तो आप इस मैक्सिलरी आर्टरी के कोर्स में देख रहे हो कि ये एक मसल के सुपरफिशियल है। ये जो मसल है ना ये एक्चुअली में अपनी है लेटरल टेरिगोइड मसल। अगर इस लेटरल टेरिगोइड मसल को मैं आपको बड़ा करके डिटेल में शल्क बोन में दिखाऊं तो आपको ऊपर वाले डायग्राम में देखना पड़ेगा। तो ये अपना पूरा शल्क बोन, और इस शल्क बोन के लेटरल साइड में अपनी ये प्रेजेंट है लेटरल टेरिगोइड मसल। और ये जो लेटरल टेरिगोइड मसल है ना इसके दो हेड्स होते हैं, एक इसका है अपर हेड, दूसरा है इसका लोअर हेड। अब ये जो मैक्सिलरी आर्टरी है ये एक्चुअली में इस लेटरल टेरिगोइड मसल के लोअर हेड के सुपरफिशियल ऐसे पास करती है। तो अपन क्या करेंगे, इसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द मसल। एक सबसे पहला पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट जो कि मसल के नीचे है, देन इसका सेकंड पार्ट जो कि इस मसल के ऊपर होता है, देन इसका थर्ड पार्ट जो कि इस मसल के ऊपर है। तो अपन ने क्या करा, इस मैक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और इसके थर्ड पार्ट। और इसके सारे पार्ट से जो है अलग अलग इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। मेनली यार मैं आपको बताऊं इसके अंदर याद करने का ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अपन को सिर्फ नाम याद करने हैं, क्योंकि इसके जो फर्स्ट पार्ट है ना उससे कुल मिला के अपनी पांच आर्टरी निकलती हैं, पांच ब्रांचेस, देन सेकंड से चार निकलेंगी, देन थर्ड से भी इसकी पांच निकलेंगी। तो टोटल जो मैक्सिलरी आर्टरी है ना उससे 14 ब्रांचेस निकलती है। इसको समझाने के लिए मुझे क्या तुम्हें ड्रॉ करके बतानी पड़ेगी इसकी सारी ब्रांचेस। तो अब आप यहाँ पे देखो मेरे इस डायग्राम में, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या करके रखा है, पहले ही पूरी मैक्सिलरी आर्टरी अपनी ड्रॉ करके रखी है। ये आप देखिए कुछ इस तरीके से अपने मैक्सिलरी आर्टरी होती है ना, तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट जो कि मसल के नीचे है, देन ये है इसका सेकंड पार्ट जो कि इस मसल के सुपरफिशियल होता है,
देन ये है इसका थर्ड पार्ट। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना मैक्सिलरी आर्टरी का, वो मेनली अपना सप्लाई करता है ईयर को और अपनी ब्रेन की कवरिंग को, जिसको अपन बोलते हैं मेनिंजियल लेयर्स। तो मैं सबसे पहले इसके सारे आपको ब्रांचेस बताता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में होती है 5 ब्रांचेस। तो मैं ड्रॉ करूँ, सबसे पहले अपनी एक ब्रांच होती है, उसे अपन बोलते हैं डीप ऑरिकुलर आर्टरी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है अपनी डीप ऑरिकुलर आर्टरी। अब आपको नाम से यहाँ पर समझ में आ रहा है ऑरिकल का मतलब क्या होता है। ऑरिकल का मेनली मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू ईयर। तो ये डीप ऑरिकुलर आर्टरी है ना, वो मेनली अपने एक्सटर्नल ईयर को ब्लड सप्लाई करवाएगी। तो ये अपनी एक होती है इसमें ऑरिकुलर आर्टरी। उसके जस्ट साइड में ये एक और ब्रांच देता है, इस ब्रांच को अपन बोलते हैं टिम्पेनिक आर्टरी। तो इस ब्रांच को अपन बोलते हैं इंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यह है अपनी इंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी। और ये इंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी जो है वो अपनी ईयर के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को मेनली ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। फिर इसकी 2 लार्ज ब्रांचेस होती हैं, और ये जो दोनों ब्रांच है ना, ये आगे जाके अपने जो शल्क बोन में कुछ फोरामेंस प्रेजेंट रहते हैं, वो अपन इसको आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको तब बताऊंगा। तो उन फोरामेंस में एंटर कर जाती हैं और अपने ब्रेन तक पहुंच जाती हैं, और ये जो है ये मेनली ब्रेन की कवरिंग को सप्लाई करती हैं। तो इसकी पहली वाली का जो नाम है इस आर्टरी का, इसका नाम है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अपना मेनिंजियल लेयर का मतलब ही होता है जो ब्रेन की कवरिंग है ना, उसे ही अपन बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। जिसमें आता है ना पहले ड्यूरा मैटर, फिर अरेकोनॉइड मैटर, पाया मैटर, ये सारी अपनी होती हैं ब्रेन की कवरिंग। और ये जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ना, ये मेनली अपने मेनिंजियल लेयर के बीच वाले पार्ट को, मिडल वाले पार्ट को आर्टरी सप्लाई करवाता है। उसके साइड वाली जो आर्टरी है उसका नाम है एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ आपके लिए। देन फर्स्ट पार्ट की लास्ट ब्रांच जो कि नीचे की तरफ रहती है, उसको अपन बोलते हैं इन्फीरियर एल्वोलियर आर्टरी। अब जब भी आपका एल्वोलियर आए ना, आप समझ जाना ये अपने टीथ को सप्लाई करेगी। तो ये जो इन्फीरियर एल्वोलियर आर्टरी है ये मेनली अपने टीथ को सप्लाई करती है। तो टोटल मैंने आपको 5 आर्टरी बताई, जो अपना मैक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट था ना, वो ये 5 आर्टरी अपनी देता है ब्रांचेस। और ये सारी चीज़ें क्या, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो बिल्कुल लोड मत लेना इस पर, याद सारी चीज़ हो जाएंगी। देन अपन सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। तो अपना मैक्सिलरी आर्टरी का सेकेंड वाला पार्ट मेनली सप्लाई करेगा मस्टिकेटर मसल को। अब मस्टिकेटर मसल वो वाली मसल को कहते हैं जो कि मेनली अपन को चबाने में मदद करवाती हैं, मस्टिकेशन प्रोसेस में मदद करती हैं। तो अगर आपने मेरी मस्टिकेटर मसल की वीडियो नहीं देखी तो उसकी वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रिव्यू तो दे ही देता हूँ। टोटल 3 अपनी मस्टिकेटर मसल है। सबसे पहले लार्जेस्ट मसल टेम्पोरालिस, देन मस्टिकेटर मसल, फिर मीडियल और लेटरल टेरिगोइड मसल। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट जो है मेनली इन्हीं मसल को सप्लाई करवाएगी। तो सबसे पहली वाली ब्रांच में बना देता हूँ। तो ये जो ब्रांच है ना, ये अपन को जाएगी मैजेटर मसल को। यहाँ लिख देता हूँ, ये अपनी है मैजेटरिक मसल की आर्टरी। देन इसी के साइड में एक और आर्टरी प्रेजेंट है जो अपना सप्लाई करेगी टेम्पोरल मसल को। तो ये है अपनी डीप टेम्पोरल आर्टरी। और यार सेकेंड पार्ट की आर्टरीज का ना नाम याद करना बड़ा ही इजी होता है, क्योंकि ये जोन सी मसल को जाके सप्लाई हो रही है ना, वही इन आर्टरी का नाम है। जैसे कि डीप टेम्पोरल आर्टरी अपन का सप्लाई करेगी टेम्पोरल मसल को, मस्टिकेटर आर्टरी अपना सप्लाई करेगी मस्टिकेटर मसल को। तो सेकेंड पार्ट के आर्टरीज के नाम जो हैं थोड़ा याद करने में इजी होते हैं। देन इन दोनों आर्टरी के बीच से नीचे की तरफ से एक और ब्रांच निकलती है, इसको अपन बोलते हैं बक्कल आर्टरी। और ये जो बक्कल आर्टरी जो है ये मेनली अपना जो बक्कल मसल रहती है ना उसको सप्लाई करेगी। फिर ये इसकी एक लास्ट ब्रांच है,
वो है अपना टेरिगोइड आर्टरी, और टेरिगोइड आर्टरी अपने मीडियल और लेटरल टेरिगोइड मसल को सप्लाई करेगी। तो ये अपने सेकंड पार्ट से अपन ने बना ली इसकी चार आर्टरीज। अब अपन इसका देखते हैं थर्ड वाला पार्ट, और मेनली इसका जो थर्ड वाला पार्ट जो है वो टोटल अपने देता है 5 ब्रांचेस, और इसका थर्ड वाला पार्ट मेनली सप्लाई करवाता है अपने फेरिंग्स को। आपको ना ऐसे ही याद होंगी सारी ब्रांचेस, आपको ऐसे ही याद होंगी। आपको यही बोलना है कि फर्स्ट पार्ट अपना सप्लाई करेगा ईयर को और ब्रेन की कवरिंग को, देन इसका सेकेंड पार्ट अपना सप्लाई करेगा मेजेटर मसल्स को, और इसका थर्ड पार्ट अपना सप्लाई करेगा फेरिंग्स वाले पार्ट को। तो अब अपन इसके थर्ड पार्ट की ब्रांचेस लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रांच देगी, वो अपनी है फेरेंजियल ब्रांच। ये नाम से समझ में आ रहा है, ये फेरेंजियल ब्रांच जो है अपने फेरिंग्स को सप्लाई करेगी। देन फिर इसकी एक और ब्रांच है, उसका नाम है आर्टरी टू टेरिगोइड कैनाल। अपने शल्क बोन में एक कैनाल होती है, उसको अपन बोलते हैं टेरिगोइड कैनाल। इस कैनाल को जो है मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसकी ये जो आर्टरी है ना, ये एक्चुअली में इसी टेरिगोइड कैनाल के अंदर जाती है, तो इसका नाम भी यही है आर्टरी ऑफ टेरिगोइड कैनाल। तो एक इसके अंदर है आर्टरी ऑफ टेरिगोइड कैनाल। देन इसकी नीचे की तरफ 3 आर्टरी प्रेजेंट होती है कुछ इस तरीके से। सबसे पहली वाली जो है वो है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। जो अपना आई है वो मेनली अपना प्रेजेंट रहता है बोनी ऑर्बिट में, और उसी बोनी ऑर्बिट के नीचे एक आर्टरी होती है, इसलिए इसका नाम है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। इंफ्रा मतलब नीचे, ऑर्बिट के नीचे प्रेजेंट है ये। फिर ये जो सेकेंड ब्रांच है ना इसके, ये एक्चुअली में अपनी है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वोलियर आर्टरी। मैंने आपको बताया था एल्वोलियर से आप समझ जाना, ये मेनली टीथ को सप्लाई करेगा। तो ये वाली आर्टरी जो है ये भी अपनी टीथ को ही सप्लाई करती है। और लास्ट में ये वाली ब्रांच, ये एक्चुअली में अपनी है ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच, और ये ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच अपना पैलेटाइन टोन्सिल को जो है सप्लाई करेगी, आर्टरी सप्लाई। तो ये मैंने आपको सारी ब्रांचेस बता दी। ये है इसके फर्स्ट पार्ट की 5 ब्रांचेस, देन इसके सेकंड पार्ट की ये 4 ब्रांचेस, फिर इसकी फाइनली थर्ड पार्ट की इसकी पांचों की पांचों ब्रांचेस। और आपको क्या सारी ये सीक्वेंस में ही याद करना है, फर्स्ट पार्ट की, सेकंड पार्ट की, थर्ड पार्ट की। इसको तुम अपने हिसाब से कोई भी जिंगल बना के याद कर सकते हो, लेकिन मेनली मैं आपको ट्रिक बताऊं, इसको याद तुम ऐसे ही करो कि इसका फर्स्ट पार्ट अपना देगा ईयर को और मेनिंजियल लेयर को सप्लाई। तो इसके नाम भी देखो वैसे ही हैं, एक डीप ऑरिकुलर और इंटीरियर टिम्पेनिक। तो तुम इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट के लिए तुम बोलना वो मेनली अपने मेजेटर मसल को सप्लाई कर रही है। और यार थर्ड पार्ट का तो समझ में भी आ रहा है, थोड़ा रैंडम है, लेकिन फिर भी तुम थर्ड पार्ट में ऐसा बोल सकते हो कि वो अपना फेरिंग्स और पैलेटाइन ये उसको मेनली सप्लाई करेगी। तो इस तरीके से अपन ने पूरी ये देख ली मैक्सिलरी आर्टरी। अब मैं आपको इसका कोर्स और डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद अपन इसके सारे पार्ट्स को जो है और फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो अपन ने क्या करा, अपनी मैक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक इसका फर्स्ट पार्ट जो कि है मैंडिबुलर पार्ट, ये वाला। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे यही लिखा है, वो अपना होता है हॉरिजॉन्टल। अगर तुम देखो भी तो मेनली अपना है ना हॉरिजॉन्टल, तो अपना फर्स्ट पार्ट अपना होता है हॉरिजॉन्टल बिटवीन नेक ऑफ मैंडिबल एंड स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट। इसको समझाने के लिए तुम्हें ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। तो ये है अपना मैंडिबल बोन और ये है उसका नेक। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट जो रहता है वो एक्चुअली में अपने इस मैंडिबल बोन के नेक से, और यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट रहता है उसे अपन बोलते हैं स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट। इन दोनों के बीच में होता है इसका फर्स्ट पार्ट। देन फिर अपन देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो अपवर्ड है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, और वो अपना सुपरफिशियल होता है लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड मसल के। ये जो लेटरल टेरिगोइड मसल है ना
उसके लोअर हेड के सुपरफिशियल है इसका सेकेंड वाला पार्ट, और फिर अपन एंडिंग में लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इसका ये जो थर्ड पार्ट है ना, वो एक्चुअली में ये अपना है लेटरल टेरिगॉइड, और ये लेटरल टेरिगॉइड का ये है अपर हेड और लोअर हेड। तो इसके दोनों हेड के बीच में से अपना जो है थर्ड पार्ट निकल रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो थर्ड पार्ट है, इट इज पासेस बिटवीन टू हेड ऑफ लेटरल टेरिगॉइड मसल। और अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो मैक्सिलरी आर्टरी है ना, वो अपना एंटर कर जाता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंडिंग में जाके इसका थर्ड पार्ट एंटर हो जाएगा टेरिगो पैलेटाइन फोसा में। और टेरिगो पैलेटाइन फोसा में एंटर होने के लिए उसको सबसे पहले एक फिशर से जाना पड़ेगा, उस फिशर का नाम होता है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। तो ये पूरा अपन ने जो है मैक्सिलरी आर्टरी अच्छे से देख लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसकी एक एक ब्रांच को अच्छे से डिटेल में देखते हैं। और अपन को इसके ब्रांचेज में एक्चुअली में डिटेल में देखना क्या है, तो अगर कोई आर्टरी किसी फोरामेन के अंदर एंटर हो रही है, तो अपन को ये याद करना है कि वो कौन से फोरामेन में जा रही है और वो किसको सप्लाई कर रही है। सिर्फ अपन को ये दो बात अच्छे से याद रखना है। तो अब आप यहाँ पे देखो, इसके फर्स्ट पार्ट में अपनी थी कुल मिला के 5 ब्रांचेस। सबसे पहले एक डीप ऑरिकुलर और इंटीरियर टिम्पेनिक। तो ये जो डीप ऑरिकुलर जो है, ये मेनली अपने ईयर को सप्लाई करेगी। यहाँ पे ऑरिकल लिखा भी है, समझ में भी आ रहा है। तो ये जो डीप ऑरिकल जो है, वो अपना एक्सटर्नल एकोस्टिक मियटस और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इन दो स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी। देन ये इंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, ये अपना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करेगी और मिडल ईयर को भी सप्लाई करेगी। फिर अपन आते हैं मिडल मेनिंजल वाली लेयर पे, मतलब जो ब्रेन की कवरिंग है ना उस पे। तो ये जो मिडल मेनिंजल आर्टरी है, आपको इसमें याद करना पड़ेगा कि ये फोरामेन स्पाइनोसम में एंटर करती है। अब आप जिसको नहीं पता हो इन फोरामेन्स के बारे में, तो आपको ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। मैं पहले इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, तो अब आप देखिए। तो अब ये क्या है, ये अपने शल्क बोन को अपन नीचे की तरफ से देख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, बीच में अपना एक फोरामेन रहता है, उसे अपन बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। देन फोरामेन मैग्नम के जस्ट साइड में आपको ऐसी तीन ओपनिंग देख रही होगी। तो सबसे ऊपर वाली जो ओपनिंग है, उसको अपन बोलते हैं फोरामेन रोटेंडम। देन बीच वाली है अपनी फोरामेन ओवल, और ये लास्ट वाली ओपनिंग है अपनी फोरामेन स्पाइनोसम। इसको मैं क्या करता हूँ, अपने 3D मॉडल में और डिटेल में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये अपना है शल्क बोन, और शल्क बोन को अपन ने क्या करा, कट कर लिया है ताकि अपन इसके अंदर देख सकें। तो अब आप यहाँ पे देखो, इसको मैं जूम करता हूँ, ये बीच में जो बड़ी ओपनिंग है, ये है अपने फोरामेन मैग्नम। इससे ही क्या होता है, अपनी अपनी ब्रेन स्टेम एंटर करती है, और जस्ट उसके साइड में आपको ये तीन ओपनिंग देख रही होंगी। तो सबसे आगे वाली है अपनी फोरामेन रोटेंडम, देन एक है इसमें ओवल शेप की ओपनिंग, वो है फोरामेन ओवल। देन इसकी लास्ट छोटी सी ओपनिंग जो है, वो है अपनी फोरामेन स्पाइनोसम। अब क्या होता है, अब नीचे से अपनी मिडल मेनिंजल आर्टरी नीचे से इस फोरामेन में, पीछे वाला फोरामेन है ना, फोरामेन स्पाइनोसम में एंटर करेगी और अपना इस मिडल करेनियल फोसा में आ जाएगी। अब जिसको ये फोसा नहीं पता, तो मैं आपको बताऊं, अपन जो है शल्क बोन के अंदर की तरफ तीन फोसा प्रेजेंट रहता है। ये जो इतना जगह है ना, फोसा मतलब मेनली डिप्रेशन। तो ये जो जगह है, इसे अपन बोलते हैं इंटीरियर करेनियल फोसा। पीछे वाला जो पार्ट है जिसके अंदर फोरामेन मैग्नम है, उसे अपन बोलते हैं पोस्टेरियर करेनियल फोसा। और बीच वाली जो स्पेस है, उसे अपन बोलते हैं मिडल करेनियल फोसा। तो ये जो मिडल मेनिंजल आर्टरी है, वो फोरामेन स्पाइनोसम में, मतलब ये लास्ट वाली ओपनिंग है ना, इस फोरामेन स्पाइनोसम में एंटर करेगी टू रीच मिडल करेनियल फोसा। फिर अपन देखें इस एक्सेसरी मेनिंजल आर्टरी में, तो ये जो एक्सेसरी मेनिंजल आर्टरी जो है, वो एक्चुअली में अपने फोरामेन ओवल के अंदर एंटर करेगी। ये जो अपनी स्पाइनोसम
स्पाइनोसम के जस्ट आगे एक फोरामेन है ना, इसे अपन बोलते हैं फोरामेन ओवल। तो इस फोरामेन ओवल में वो एंटर कर जाएगी और मेनली ये जो एक्सेसरी मेनिंजल आर्टरी जो है ये सप्लाई करवाती है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को। तो ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को सप्लाई करेगी। फिर अपन देखते हैं इसकी फिफ्थ ब्रांच जो कि है इन्फीरियर एल्वोलियर आर्टरी। तो ये जो इन्फीरियर एल्वोलियर आर्टरी जो है वो अपने एक तो मैंडिबल को सप्लाई करेगी, जो अपनी मैंडिबल बोन होती है ना, तो वो अपने एक मैंडिबल को सप्लाई करेगी और उसी मैंडिबल बोन पे जितने भी टीथ हैं उनकी रूट्स को सप्लाई करेगी। और ये इन्फीरियर एल्वोलियर आर्टरी अपनी एंटर होती है मैंडिबुलर फोरामेन में। अब आप बोलोगे सर ये मैंडिबुलर फोरामेन कहाँ है, तो जैसा इसका नाम है ना, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि मैंडिबल फोरामेन अपना मेनली रहता है मैंडिबल बोन में। तो ये 3D मॉडल है अपने मैंडिबल बोन का और इस मैंडिबल बोन के पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एक फोरामेन दिखता है, ये छोटा सा, इसे ही अपन बोलते हैं मैंडिबुलर फोरामेन। और इसी मैंडिबुलर फोरामेन के होते हुए ये इन्फीरियर एल्वोलियर आर्टरी इसी मैंडिबल फोरामेन में एंटर कर जाती है और फिर अपने इस मैंडिबल को और इस मैंडिबल पे लगे हुए जितने भी टीथ है ना उसकी रूट्स को अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो ये अपन ने देखा फर्स्ट पार्ट के बारे में। अब अपन देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट के बारे में। तो इसका सेकेंड पार्ट जो है वो अपना 4 आर्टरी दे रहा था और इसका सेकेंड पार्ट यार बड़ा ही इजी होता है, मैंने आपको बताया भी था याद करना। इसकी चारों ब्रांचेस जो है उन्हीं मसल के ऊपर इनके नाम है जिसको ये सप्लाई कर रही है। तो मेनली इसकी सबसे पहली ब्रांच जो है वो है मेसेंट्रिक ब्रांच। मैं आपको अगर 3D मॉडल में भी दिखाऊं, ये जो मसल है ना ये है अपनी मेसेंट्रिक मसल और इस मेसेंट्रिक मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी अपनी ये मेसेंट्रिक ब्रांच। अब सिमिलरली ये जो बड़ी सी एक मसल है टेम्पोरल बोन के जस्ट फ्रंट में वो है अपने टेम्पोरालिस मसल और इस टेम्पोरालिस मसल को सप्लाई करेगी ये डीप टेम्पोरल ब्रांच। देन इधर साइड एक नीचे ये एक स्मॉल सी ये जो मसल दिख रही है ना इसे ही अपन बोलते हैं टेरिगोइड मसल और इस टेरिगोइड मसल को सप्लाई करेगी ये वाली आर्टरी, आर्टरी टू टेरिगोइड मसल, इसका तो नाम ही डायरेक्ट है यार। और फिर अपनी एक यहाँ पे एक मसल है इसको बोलते हैं चीक मसल, वो है अपनी बक्सिनेटर मसल और ये जो बक्सिनेटर मसल है ना इसको सप्लाई करेगी ये वाली अपनी बक्कल ब्रांच। देन फिर इसके अल्टीमेटली अपन आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे और इसका ये जो थर्ड पार्ट है वो अपने दे रहा है फिर से 5 ब्रांचेस। सबसे पहले अपने इसके अंदर जो ब्रांच है वो है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वोलियर आर्टरी, ये जो दिख रही है ना अपन को, तो ये है अपनी पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वोलियर आर्टरी। और उसी के साइड में यहाँ पे एक और आर्टरी है वो है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। और ये जो दोनों आर्टरी है ना वो एक्चुअली में अपना एंटर करती है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर में। ये बिल्कुल आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, एक तो सारी ब्रांचेस के नाम और दूसरा वो ब्रांचेस आगे जाके किसके अंदर एंटर हो रही हैं, किस फिशर में, किस फोरामेन में, ये आपको डायरेक्ट याद करना है। तो ये दोनों की दोनों ब्रांचेस अपनी एंटर होती हैं टेरिगो मैक्सिलरी फिशर में। इसको मैं क्या आपको दिखा भी देता हूँ एक बार पिक। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो शल्क बोन है ना उसके जो साइड में ये आपको हल्का सा एक आपको कट दिख रहा होगा, एक फिशर दिख रहा होगा, उसे ही अपन बोलते हैं टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। इसको और डिटेल में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे अब आप देखिए तो ये मैक्सिला के और अपने स्पिनर्ड बोन के जस्ट बीच में एक अपना ये जगह है, इसे अपन बोलते हैं टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। और ये जो फिशर है ना ये एक्चुअली में अपना एक कैनाल जैसा होता है, ये आपको दिख रहा है ना, इसके एक एंड को अपन बोलते हैं टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। देन ये पूरे बीच वाले पोर्शन को अपन बोलते हैं टेरिगो पैलेटाइन फोसा, ये पूरा है टेरिगो पैलेटाइन फोसा। और इसके दूसरे वाले एंड को अपन बोलते हैं स्पिनो पैलेटाइन फोरामेन। तो ये दोनों जो आर्टरी है ना वो मेनली क्या करती हैं, इसके फर्स्ट ओपनिंग में
अपनी टेरिगो मैक्सिलरी फिशर में अपनी एंटर हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो सुपीरियर एल्वुलियर आर्टरी जो है ये अपने मोलार और प्री मोलार टीथ को मेनली अपना आर्टरी सप्लाई करवाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रेजेंट रहता है अपना मैक्सिलरी एयर साइनस। अगर आपको मैक्सिलरी एयर साइनस के बारे में डिटेल में नहीं पता तो यार इसके ऊपर भी मैंने एक्चुअली में वीडियो बना के रखी है और उस वीडियो के लिंक मैं तुम्हें आई बटन पे दे दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे एयर साइनस ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसकी तुम वीडियो भी देख लेना। एंड ये इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी भी अपने टीथ को ही मेनली सप्लाई करती है। उसको देने के लिए अपनी टीथ को सप्लाई करने के लिए वो इस तरीके से अपनी तीन ब्रांचेस देता है। एक तो इसकी है ऑर्बिटल ब्रांच, तो वो अपना बोनी ऑर्बिट को सप्लाई करेगी। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है ना इसको अपन बोलते हैं बोनी ऑर्बिट। तो ये एक तो इसकी ऑर्बिटल ब्रांच इस बोनी ऑर्बिट को सप्लाई करेगा। देन इसकी एक है मिडल सुपीरियर एल्वोलियर ब्रांच, ये भी अपने टीथ को सप्लाई करेंगी। और इंटीरियर सुपीरियर एल्वोलियर ब्रांच ये भी अपने टीथ को सप्लाई करेंगी। तो फिर अपन देखते हैं इसकी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। और ये जो है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी अपनी एंटर होती है, जिस जैसा इस आर्टरी का नाम है ना वैसे ही सेम फोरामेन में एंटर होंगी, वो है अपने ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन में। मैं अगर आपको दिखाऊं भी ये कहाँ पे है तो अब आप देखो ये जो शल्क बोन है ना इसके लोअर वाले पार्ट में नीचे की तरफ, ये अपना है मैग्जिला। और इस मैग्जिला के जस्ट साइड में आपको ये हल्का सा एक फोरामेन दिख रहा होगा, इसे ही अपन कहते हैं ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन। तो इसी ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन में अपनी ये ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी एंटर हो जाएगी और वो मेनली अपना सप्लाई करेगी पैलेटाइन गम्स को, कि टर्मिनल ब्रांच जो है वो अपनी नेजल कैविटी को भी सप्लाई करेंगी। फिर अपन इसके आते हैं फेरेंजियल ब्रांच पे। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं ये वाली ब्रांच जो मैंने बताई थी ना, ये है इसकी फेरेंजियल ब्रांच। और इसके साइड में ये है अपनी आर्टरी ऑफ टेरिगोइड कैनाल। तो इसकी जो फेरेंजियल ब्रांच जो है वो अपनी एंटर हो जाएगी फेरेंजियल कैनाल में। तो जैसा इन आर्टरी का नाम है उसी के सेम नेम की एक कैनाल में एंटर होंगी। तो यहाँ पे अब याद कर लेना कि ये जो फेरेंजियल ब्रांच है वो मेनली अपने नेजोफेरिंक्स को और ऑडिटरी ट्यूब, इसको आप यूस्टेशियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, उसको सप्लाई करेगी। फिर आर्टरी, फिर इंटीरियर आर्टरी ऑफ टेरिगोइड कैनाल, अब नाम ही बता रहा है ये आर्टरी कहाँ है टेरिगोइड कैनाल में, तो ये अपनी एंटर करेगी टेरिगोइड कैनाल में। और ये क्या सप्लाई करेगी, वो मेनली अपने फेरिंग्स को और टिम्पेनिक कैविटी को, ये दो स्ट्रक्चर को अपना आर्टरी सप्लाई करवाएंगी। फिर इसकी लास्ट ब्रांच अपनी है स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी। मैंने आपको क्या है शो नहीं करी एक्चुअली में, ये जो मैक्सिलरी आर्टरी का ये जो एंड वाला पोर्शन है ना इसी को अपन बोलते हैं स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी। तो इस मैक्सिलरी आर्टरी का जो लास्ट पोर्शन है स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी, वो एंटर हो जाएगा स्पिनो पैलेटाइन फोरामेन में। और ये मेनली ये जो है अपने नाक को सप्लाई करते हैं, ये देते हैं नेजल ब्रांचेस, एक पोस्टेरियो लेटरल और पोस्टेरियो मीडियल नेजल ब्रांचेस। तो ये सारे अपन ने जो है मैक्सिलरी आर्टरी की एक एक ब्रांच को फर्दर और डिटेल में देख लिया। और अब मैं मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, उसके बाद ये भी बताऊंगा किसको यूनिवर्सिटी में किस हेडिंग में आपको लिख के आना है। तो यार ये यूनिवर्सिटी में ये बिल्कुल एज ए शॉर्ट नोट में आपके लिए आ गया। तो एज ए शॉर्ट नोट में आप सबसे पहले क्या करोगे, इसकी एक मेन हेडिंग डालना मैक्सिलरी आर्टरी। अभी अपना आएगा 5 नंबर में, तो अपन को पहले हेडिंग डालेंगे, देन इसके इंट्रोडक्शन के 2 पॉइंट लिखना, फिर आप हेडिंग डालना इसके कोर्स की, देन इसके सारे कोर्स बताने के लिए तुम इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारे पार्ट्स लिखना और उन पार्ट्स का सारा कोर्स लिख देना। जितना मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना सिर्फ आपको उतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा सफिशियंट कंटेन हो जाएगा एक शॉर्ट आंसर के लिए, क्योंकि इतना ही तुम लिखोगे ना तो आराम से 3 पेज में ये हो गया। उसके बाद अपन को उसका डायग्राम भी बनाना है,
तो इतना है 5 नंबर के लिए, यूनिवर्सिटी में सफिशियंट अमाउंट है, इतना आप उनको लिख के आना है। देन फिर आप लेना ब्रांच, ब्रांच में पहले ऐसे हेडिंग डालना फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट की सारी ब्रांच आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे, आप डायरेक्ट उनके नाम लिखोगे, और नाम लिखने के बाद आपको अगर ये याद रह जाए कि किसको सप्लाई कर रही है तो आप इसका सप्लाई तो लिख ही देना, और फोरामैन तो यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फोरामैन तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि क्या होता है कि वो वाइवा में भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं अपन से, क्योंकि ये ऑस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, तो वाइवा में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि फोरामैन स्पाइनोसम में कौन सी आर्टरी एंटर होती है, तो फिर आपको याद होना चाहिए कि फोरामैन स्पाइनोसम में मिडिल मेनिंजल आर्टरी होती है। तो इस तरीके से वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट लिखा है वैसे सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की भी सारी ब्रांचेस लिखना है। और अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को तुम्हें करना है लाइक, मेरे साथ बने रहो, अपन बहुत कुछ कर चुके हैं, हेड एंड नेक अपना एप्रोक्स खत्म हो चुका है, उसके बाद अपन देखेंगे न्यूरोलॉजी और फिर अपने एनाटॉमी को एंड करेंगे।